कलेक्टिव नाउन के बारे में, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है मेरे बच्चों, यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में आप क्या समझते हैं, तो उसे आप क्या बताइएगा? मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, यदि किसी ने पूछ लिया तो आप उसे बोलिएगा कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या मैंने बोला? ये एक ही प्रकार के सदस्यों से, एक ही प्रकार के सदस्यों से बना होता है मेरे बच्चों, सदस्यों से बना होता है, बना होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। हमने क्या लिखा? एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसे हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी बच्चे ने सवाल किया कि एक प्रकार के सदस्यों से मिलकर जो बना होता है, उसको हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, तो ज़रा मुझे आप बताइए कि वह एक प्रकार के सदस्य क्या हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ पुलिस, पुलिस आर करप्ट। ठीक है मेरे बच्चों, पुलिस आर करप्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इस पुलिस की जहाँ तक बात करते हैं, तो पुलिस एक संगठन का नाम है और उसमें एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं। मतलब जितने भी पुलिस हैं, वे पुलिस ही उस सदस्य में रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उस सदस्य में नहीं जा सकता है। इसलिए हमने आप सबको बताया कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आप यहाँ देखिए कि जो पुलिस है मेरे बच्चों, पुलिस को प्लुरल सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए यहाँ पर उसने आर का जो प्रयोग किया, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया। आप सभी को पता है मेरे बच्चों कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप सबको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है और प्लुरल वर्ब क्या होता है, तो जहाँ तक सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम, एज, वाज, हैज और डज। ठीक है, प्लुरल वर्ब की जहाँ तक बात करते हैं, आर, वर, हैव एंड डू की बात करते हैं। तो आज के बाद यदि किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि रवि सर जरा मुझे बताइए कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, एम, एज, वाज, हैज और डज, प्लुरल वर्ब की जो बात करते हैं, आपका आर होगा, वर होगा, हैव होगा और डू होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ जो पुलिस हैं वह क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हमने क्या किया? प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस तो एक संगठन का नाम है, लेकिन एक प्रकार के सदस्यों से मिलकर वो बना हुआ है, लेकिन किसी एक पुलिस की बात होगी तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? पुलिसमैन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? पुलिसमैन। ओनली फॉर वन पुलिसमैन, ओनली फॉर वन पुलिस। यदि एक पर्सन की बात होगी पुलिस वाले को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पुलिसमैन कहेंगे। यदि एक से अधिक की बात होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चों? पुलिसमैन कहेंगे। क्या कहेंगे? दिस इज़ कॉल्ड पुलिसमैन। इसका मतलब यह हुआ कि मोर देन वन बट नॉट ऑल। इसको समझिए कि एक से अधिक लेकिन सभी नहीं, तो एक पुलिसमैन की बात होगी तो उसे पुलिसमैन कहेंगे, और एक से अधिक की बात होगी तो उसे पुलिसमैन कहेंगे। ठीक है, जैसे हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा जाए कि आई नो अबाउट सम पुलिसमैन। मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रा यहाँ देख लीजिए कि इसमें जो पुलिसमैन हैं, किसी एक पुलिसमैन की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक से अधिक पुलिसमैन की बात हो रही है, इसलिए क्या है? प्लुरल फॉर्म में है। ठीक है ना, तो मैंने वही बात बताई कि किसी एक पुलिस की बात होगी तो उसे हम पुलिसमैन कहेंगे,
एक से अधिक पुलिस की बात होगी तो उसे हम लोग पुलिस मैन कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप कलेक्टिव नाउन का जो तीसरा हिस्सा है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में आप कुछ समझते हैं या आप कुछ नहीं समझते? जहाँ तक आप डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इस नाउन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह कभी आपस में एक होता है, आपस में एक होता है, ठीक है। अब कैसे हम समझेंगे कि आपस में कभी एक होता है और कभी आपस में बट जाता है मेरे बच्चों, आपस में बट जाता है? इसको ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने लिखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में कभी एक होता है और कभी आपस में बट जाता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा मेरे बच्चों? द जूरी इज यूनाइटेड, ठीक है मेरे बच्चों। जूरी की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, यह जूरी क्या है? आप सभी को पता है कि जजों का जो समूह होता है उसे हम लोग जूरी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जूरी संगठित है, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों? कि आपस में वह एक, ठीक है ना। जब जूरी आपकी संगठित अवस्था में है तो उसे आपस में एक माना जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में इसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो इसके साथ वर्ब की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये है कि जूरी जो है, जजों का जो समूह है, वह बिल्कुल संगठित है, मतलब एक। लेकिन दूसरा हमने लिखा कि कभी ये आपस में बट जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कि समटाइम्स इट इज़ डिवाइडेड, ठीक है ना। समटाइम्स इट इज़ डिवाइडेड, कभी यह आपस में बट जाता है या कभी यह आपस में बटा होता है। लेकिन सवाल अब यह है कि हम कैसे समझेंगे कि यह आपस में पूरी तरीके से बट गई है? मेरे प्यारे बच्चों, यदि जहाँ तक इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि जूरी जो है कभी आपस में एक होती है, तो जब वह आकर आपस में एक होगी तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और कभी यह आपस में बट जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जजों का जो समूह है वह आपस में पूरी तरीके से बट गया है। इसके लिए हमने क्या किया? जब यह आपस में बट गया तो यह प्लुरल सब्जेक्ट बन गया, और इसके साथ में हमने किस वर्ब का प्रयोग किया मेरे बच्चों? प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया। द जजूरी हैव टेकन देयर सीट्स, इसका मतलब यह हुआ कि जजों की जो समूह है अलग अलग कुर्सी पर बैठी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी जो समूह है वह पूरी तरीके से बट गई है। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि जब जूरी एक संगठित अवस्था में हो तो ऐसी परिस्थिति में उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं, और उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि किसी ने आपसे पूछा कि जूरी जब आपस में बट जाती है तो वैसी परिस्थिति में वह प्लुरल होता है, और उसके साथ में हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा हैव की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, इसमें आप ज़रा देख लीजिए कि हैव क्या है? प्लुरल वर्ब है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट जैसा होता है उसी तरीके का वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो उसके साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक रिव्यू ले लीजिए, और फाइनली हम आते हैं आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं,
प्लीज टेक ए गुड रिव्यू ऑफ दिस ऑल स्टेटमेंट्स देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स।